नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। नागौर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वाधान में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडा एवं चुगा पात्र लगाने का कार्य एक अभियान के रूप में पूरे जिले के इको क्लब विद्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। सीओ स्काउट एमएस फाक पवार के अनुसार नागौर ब्लॉक के ट्रेनिंग काउंसलर स्काउट राजेश देवड़ा के साथ रोवर हर्षुल पटेल, रेंजर गजराज कंबर, सरला बेनीवाल व गाइड कैप्टन इंदिरा विश्नोई के नेतृत्व में आज 20 परिंडे सेठ किशनलाल कांगरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर, 15 परिंडे सिंधी समाज के लोगों के साथ लगाए गए, 15 परिंडे राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय डेह, 10 परिंडे पंचायत तरनाव में लगाए गए। नमस्कार, मैं राजेश देवड़ा, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नागौर से। हम कोविड-19 कोरोना वायरस की इस जंग में बराबर का साथ दे रहे हैं। हमारे द्वारा विभिन्न गतिविधियों के द्वारा समाज के साथ हाथ से हाथ मिलाकर कार्य किया जा रहा है। हमने शुरुआत में सबसे पहले प्रतिदिन फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर रात्रि को 12 बजे और दोपहर को 4 बजे हमेशा हर नाके पर जा कर के चाय पिलाई। अब हमारा अगला लक्ष्य है कि हम घाटा बना कर के हर बूथ हर चौकी पर जाएंगे और पिलाएंगे। उसके अलावा अभी हमने एक मिशन रखा है परिंडा 1001, अर्थात आसपास के एरिया में हम 1001 परिंडे पक्षियों के लिए लगाएंगे। साथ ही हम सभी लोग और आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, भोजन देने में सहयोग कर रहे हैं और हमारे स्काउट गाइड सर्वर रेंजर्स के विद्यार्थियों ने मिलकर के समस्त बच्चों को या आसपास के एरिया को मास्क बना के बांटे। कल ही हमने कलेक्टर साहब को 750 मास्क बना करके वितरित किए हैं और आगे भी ये परंपरा चलती रहेगी और भी मास्क बन रहे हैं और जिनको आवश्यकता उन सभी को हम लोग बांट रहे हैं। और हमारे रेंजर जो बच्चे हैं उन्होंने सिलाई करके और 750 मार्क्स तैयार करके कलेक्टर को सौंपे हैं और कलेक्टर महोदय को कल ही दिए गए हैं। और कच्ची बस्तियों में जहां भी मार्क्स की आवश्यकता है रेंजर रोवर स्काउट गाइड की तरफ से वितरित कर रहे हैं। पुलिस जो काम कर रही है उनको चाय पिलाने का कार्यक्रम भी कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य पशु पक्षी बेजान जो हैं उनको पानी वगैरह की सुविधा के लिए 1000 परिंडे हम बनवा रहे हैं। और आगामी हमारा ये योजना है कि हम जो आयुर्वेद काढ़ा बन रहा है उस काढ़े को हर नागरिक नागौर के हर नागरिक तक पहुँचाएँ। जो कलेक्टर साहब को भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है और ये हमारी रेंजर बच्चियों द्वारा मार्क्स तैयार किए गए हैं जो सभी को वितरित किए जाएंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सके। नागौर का कोई भी नागरिक बिना मार्क्स नहीं घूमे, ये हमारा लक्ष्य है। मैं रेंजर गजराज कंवर, मैंने जो स्काउटिंग के जरिए जो जो सेवाएं कर रही है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने मास्क खुद ने बना के स्टार्ट किए थे और 300 मास्क में गांछा बस्ती में बांट चुकी जो जजोला के पास है सांसी बस्ती। उसके बाद हमने पुलिस का सहयोग करने के लिए मैंने सिर्फ 5 दिन एक्सिस बैंक में ड्यूटी दी थी। फिर इसके बाद हमने कलेक्टर सर को कल ये मास्क सौंपे थे, परिंडे भी लगाए और अब आगे हमारा ये लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नागौर शहर में परिंडे लगाए ताकि पक्षी प्यासे ना मरे और ये मास्क बांटे। धन्यवाद। आपको कैसा अनुभव हुआ? प्रेरणा किससे मिली थे? ये प्रेरणा ये तो मेरा जो क्लासमेट अशोक डोगीवाल उसने बताया था कि स्काउटिंग, क्योंकि पहले मैं स्काउटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल वाले भी आते थे। जॉइनिंग की हुई अपने कितने साल हुआ ये स्काउट में जुड़े हुए? कितना टाइम हो गया? 1 साल हुआ है, दिसंबर में 1 साल हो गया है। इससे पहले आपने कुछ कार्य किए हैं ऐसे? हाँ, NSS के जरिए भी किया है मैंने, खुद के अपने NSS से जुड़ने से पहले भी मैंने किया क्योंकि मेरा शुरू से ही जुड़ना है कुछ ना कुछ करने का। तो मैं चाहे NSS में हो चाहे स्काउटिंग में हो किसी भी हो लेकिन मैं हर काम करती रही। अब आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आपके एज के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि ये कोरोना जो महामारी फैल रही है हम देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा हमने जो प्रकृति को नुकसान पहुँचा है उसकी वजह से हो रही है। तो हम युवाओं को आगे आना चाहिए, जो प्रकृति के नुकसान हो हम उनकी भरपाई करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम पक्षियों के बारे में सोचें। हम आज तक सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं लेकिन अब युवाओं को अपने साथ साथ पक्षियों को और पेड़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी के साथ नागौर मुख्यालय के रोवर व रेंजर द्वारा कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग नागौर कोविड-19 से बचाव के लिए बनाए जा रहे रोग प्रतिरोधक काढ़ा बनाने के कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। रोवर रेंजर द्वारा 3000 काढ़े के पैकेट तैयार किए गए। राजस्थान स्टेट ब्यूरो प्रदीप डागा की रिपोर्ट।